बोलो बंदी शोण महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सद्गुरु महाराज की जय। आप जिन्नी भी संगत मेरी माता और स्वामी लाल बाबा जी महाराज, स्वामी चेतनानंद जी महाराज, स्वामी हरि प्रसाद जी महाराज और जिन्नी भी संगत सतगुरु महाराज के दरबार च बैठी है, बड़ी ही भागशाली है क्योंकि वाणी का भी फरमान है, बिन भागा सत्संग न लभे और बिन संगत मैल परिजय जियो। देखो बिना भागा ते चाहे गुआंड दे विच ढोल बजी जान, चाहे सराणे न ढोलकियां खटकदियां होण, अगर जीव दे भाग उत्तम नहीं तां हो सत्संग दी प्राप्ति नहीं कर सकता। परंतु कई बार सानू सत्संग मिल जांदा, असी सत्संग चल भी जांदे, पर कहंदे बिन संगत मैल परी जह जियो। कई बार सानू संगत ऐदां दी मिलदी, गुस्सा ना मेरा मन्यो, जिन्हां दा मन नहीं हुंदा सत्संग च, ना वो साडा ना उन्हां दा अपना लगदा, ना वो दूजे दा लगन देंदे प्यारियो। इसलिए बाणी ची साहिब ने कहता बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल परी जह जियो। और बिना संगत तो ये जड़ी मैल है ये साड़ी बाहर नहीं निकलती प्यारियो। और तुसी जिन्हियां भी मेरिया भैणा मामा बैठिया है बहुत भागशाली है, और थोड़े नाल मैं भी बड़े भागा लाए प्यारियो, क्योंकि मैं बहुत निकम्मा है। ये तो हुण थोड़ी कृपा दे नाल और संतन की कृपा दे नाल मेते भी माड़ा मोटा बोल हो जांदा, नहीं मेरे मैं बहुत मूर्ख बन जांदा कदी कदी। ये हुण थोड़ी कृपा है प्यारियो। आओ पंच मिनट ले सारिया ने जिन्हिया भी संगत बैठी है, किते भी आवाज सुनदी है, सारिया ने आपो अपनी रसना पवित्र करदे होए सतगुरु महाराज के दरबार अपनी अपनी हाजरी लगानी है प्यारियो। क्योंकि वाणी च भी कहा साहिब ने, असी संध्या आरती च स्पष्टीकरण कर दिता महाराज ने, सो नर कीट पतंग भवंगा चौरासी में धर है अंगा, अद्भुत खानी भुक्ते प्राणी समझे नहीं शब्द सहदानी। महाराज कह रहे अद्भुत खानी भुक्ते प्राणी। प्यारियों आरती च स्पष्टीकरण है कि जिन्ने भी प्राणी हैं इस धरती दे ऊपर, चाहे किसी भी जून दे बिच है, चाहे वो कीड़ी है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो हिरन है, चाहे किसी भी जाति दे नाल संबंध रखता है, अद्भुत खानी भुक्ते प्राणी समझे नहीं शब्द सहदानी। क्यों? क्योंकि चार तरह के मेन जड़े कम है, असी तुसी सारे उन्हां विच ही फसे हैं प्यारियो। एक बार बोल दो, बोलो बंदी शोर महाराज की जय। तुसी जरा निगाह घुमा के देखो प्यारियो, चार तरह की चीजां दे विच जीव फसिया होया है। नंबर एक खाना पीना,
सीधी भाषा च थोनू बोला मैं बड़े बड़े वैदिक मंत्रां दा उच्चारण तो मेरे वर्गे मूर्ख करे नहीं सकते, पर फिर भी नंबर एक खाना पीना साडा असी जो है असी खा पी लेंगे, और दूजा कम असी खा पीन तो बाद सो जाने, और तीजा कम सानू गुस्सा भी आंदा है, साडे अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटी होंदी प्यारियो, असी कदी उदास भी हो जाते कदी खुश भी हो जाते प्यारियो, और चौथा कम है बच्चे पैदा करने। जो भी प्राणी है चाहे पशु है पक्षी है किसी भी तरह का तुसी देख रहे हैं वो सारे दे बच्चे हैं प्यारियो। चिड़िया कबूतर भी घर बनाते हैं, ओ भी खाना खाते हैं, ओ भी सोते हैं, और उन्होंने भी बच्चे होंगे प्यारियो। चार गुण अद्भुत खानी भुक्ते प्राणी समझे नहीं शब्द सहदानी। ये चार गुण हरेक प्राणी दे विच है, चाहे धरती पर हो मछली है चाहे किसी भी जून दे विच है प्यारियो। ये चार गुण सारे च है, हरेक प्राणी सोंदा भी है खांदा भी है उदा घर भी है उदे बच्चे भी है प्यारियो। पर साहिब ने समझाया तुसी सारे नालों उत्तम प्राणी हो, तुसी मानस जूनी दे विच हो और तुसी सर्वश्रेष्ठ हो। 83,99,999 जूना तो भी ऊपर जो जून है वो थोड़ी है प्यारियो। अगर तुसी भी बस खा लिया पी लिया सो ले और आशियाने बना ले और अपने बच्चे पाल ले प्यारियो, एक कमता सारिया जूना करिया कर दिया। हरेक जून दे प्राणी कर रहे कम, इसलिए साहिब ने बाणी च कहा है अद्भुत खानी भुक्ते प्राणी बेचारे पदार्था। हरेक प्राणी भुक्त रहा, हरेक प्राणी इदे विच फसिया होया है, परंतु तुसी असी मनुष्य है और मनुष्य दा कर्म अपने आप दी पहचान करना है, जिन्हें साहिब ने भी कहा है अद्भुत खानी भुक्ते प्राणी समझे नहीं शब्द सहदानी। ये चार प्राणी उस शब्द नु नहीं समझ सकते, पर असी समझ सकते हैं क्योंकि तुसी मनुष्य जूनी दे विच हो। हम है शब्द शब्द हम माही हमसे भिन्न और कुछ नहीं। साहिब ने कहा असी हो यो शब्द है, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी वाणी च भी फरमाया है गुरु साहिब ने, गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे। ओ वाणी दे विच सारा कुछ है प्यारियो, इसलिए तुसी असी जिन्ने बैठे बड़े ही भागा लिए कि सतगुरु दे दरबार च बैठे हैं, और सारे प्राणियों तो उत्तम जूनी है साडी मानस की जात। ताही ता कहा मानस की जात पहचान्यो अपने आप नो पहचान लोगो प्यारियो। इसलिए तुसी जिन्ने बैठे सतगुरु दी बाणी दे सन्मुख बैठे हैं क्योंकि थानू थोड़ी थोड़ी गुरुआं दी कृपा दे नाल अपनी पहचान है, बाकी प्राणियां नू ओ पहचान नहीं है। अगर उन्हां नू पहचान हुंदी प्यारियो तां कुत्ते बिल्ले ऊंट बकरियां दे नाल ए दरबार पर जाना सी प्यारियो, पर तुसी मानस है और अपने आप नो पहचान लोगो, और तुसी वाणी दे सन्मुख बैठे हैं जिमें वाणी दा फरमान ही है दास गरीब
अमर हुए सुनकर तू मान हमारी बाणी। दास गरीब भी अमर हुए महाराज कहंदे तू गल मन ले और प्यारे तुसी असी बैठे आओ असी भी साहिब दी गल्लू मनिए थोड़ी देर अपना मन उस साहिब दे नाल जोड़िए। बोलो वंदी महाराज की जय। क्योंकि उदी कृपा दे नाल ही सारा कुछ हो सकता है। आओ पंच मिनट ले मैं बहुता समय नहीं लेना आपो अपनी रसना पवित्र करनी है। पहला मैं बोलांगा फिर तुसी भी बोलना है क्योंकि वाणी च भी कहा सुनते पनीत कहते पवित्र। भगवान का नाम सुन के तो जी पवित्र हुंदा ही है पर जे माड़ा मोटा बोलो ना तभी गल बन जाए। कदी बोलो वंदी छोड़ महाराज की जय। आओ पंच मिनट ले सब ने महामंत्र दा पाठ करना है। मैं भी करांगा और तुसी भी करना है। बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Vanich vikha naam japat kodi pala cho cho pe cham kanchan deh kis kaam ki जाके मुख नहीं नाम। प्यारो साडे नाल कोड़ी खरा है जिदे शरीर दे विचों खून टिप 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 गिर रहा है पर नाम जप रहा है। और तुसी असी अगर तंदरुस्ती है साहिब कह रहे किसे कम दी नहीं है अगर तुसी उस मालिक दा सुमिरन नहीं कर सकते इसलिए बोल दो फिर हुण अरे उची बोलो राम हरे 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 कृष्ण। ये उस मालिक का नाम है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र वाणी च भी साहिब ने कहा राम गोविंद जपदिया मुख पवित्र होया। प्यारियो मैं संतां दे मुख ते सुनिया जेड़ा ए मुंह है ना साडा जिन्या मर्जी कुरलियां करी आओ और जिन्नी मर्जी महंगी दातन कर लो चाहे जिन्ना मर्जी हो टूथपेस्ट बरत लो कोलगेट ले लो देवगंती बेदगंती जिन्या दे ना ले लम थोड़े है ए 32 सी जिन्नी मर्जी दिखाई हो महाराज कहा कर दे ए मुंह झूठा है
ਉੱਪਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸਨੇ ਬੋਲ ਦੋ ਫਿਰ ਹਰੇ ਰਾਮ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਕਾਊ ਮਾਊ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ hare 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 ram hare ram 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare edda hak maro ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮੜਕ ਗਏ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਪਾ ਉਹ ਬਾਪਾ ਅਗਲਾ ਦਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਚੋਂ ਖੋਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੈ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਅਲੰਬ ਹੀ ਲਾਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉੱਚੇ ਸਵਰ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਨੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਵਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰ ਮੇਰ ਫੇਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੋਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਔਰ ਵੰਡੀ ਛੋੜ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਨ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਸੁਰਤੀ ਯਾਰ ਵੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਣੀ ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਕਰ ਧੀਰ ਬਾਂਧ ਲੈ ਬੋਰੇ ਛਾੜ ਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੋ ਕੀ ਰੀਤ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦੋ ਕੱਲ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡੋ ਪਰਸੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛੱਡੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੋ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਮੂਰਖ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਆਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਹੈ ਮਨ ਉਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮਵੀਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ
मन पसरे को घट में आने सो संध्या हमरे मन माने। क्योंकि कोई भी आरती कोई भी सत्संग ताही सिद्ध है ताही सफल है अगर थोड़ा मन ऐथे है। हुण कई बार मैं पलाटा जायांदा उदा नहीं मन दे नाल हुंदा मैं झज्जी कई बार असी झज्जी बैठे हुंदे मन साडा लुधियाणे भी घूमियांदा ए मन है दादा। इसलिए साहिब ने कहा अगर थोड़ा मन स्थिर है फिर थोड़ा बैठना भी सफल है। इसलिए तुसी अपने मन नू थोड़ा जिहा कंट्रोल करना है। अगर थोड़ी देर नहीं हुंदा तो बेनती करनी है हे महाराज मेरा मन कहना नहीं मनदा। बहुत अच्छा शब्द है मैनू लैन चेता आ गई तुसी जरूर बोलना क्या कहना कृपा करो महाराज मेरा मन मनदानी कहना कृपा करो पूरी बड़े मेरा मन मनदानी कहना कृपा करो पूरी बड़े मेरा मन मनदानी कहना कृपा करो समाधि बड़े मेरा मन मनदानी कहना कृपा करो समाधि वाले मेरा मन मनदानी कहना। क्यों? क्योंकि महाराज मुझसे तुझको बहुत है। तुसी जरा देखो सारे जने सोचो कि थोड़े वर्गे किन्ने बैठे सारे ने अपनी अपनी पर गल कटानी जे हुण मैं कहा महाराज नु भी मेनू ही देख तू बाकियों को ना देख ये गलत गल है प्यारियो। महाराज नु तो सारे एक बराबर है इसलिए मुझसे तुझको बहुत है। मेरे वर्गे साहिब तेनु बहुत है पर मेरी भी सुन लाइक मुझसे तुझको बहुत है तुझसा ना मुझ कोई। हे प्रभु पर मेनू तो तू ही तू है किसे दा कोई ए मेरा मन प्रभु कहना नहीं मनदा। जे मैं नूर पर नु जामा प्रभु मैं बला चोर बढ़ जांदा जे किते मैं बला चोर जामा प्रभु मैं नैणा दे भी लंघ जांदा पर तू कृपा कर दे कृपा कर दे क्योंकि तेरा नाम वंदी छोड़ भी है। क्योंकि असी वंदी छोड़ बोलते हैं उसनु वंदी छोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की वाणी च भी कहा सतगुरु वंदी छोड़ है जीवन मुक्त हंडीना। जो सानू जीवन तो भी मुक्ति देवे सो कॉल्ड वंदी छोड़ बोलो ओ प्यारे हो ये दुनिया दे संबंध है भैन भाई दा भी संबंध है मां बाप दा भी संबंध है पति पत्नी दा भी है बच्चियां दा भी संबंध है और इन सारे तो ऊपर जो संबंध है साडे शरीर दा भी साडे नाल संबंध है। क्योंकि इस शरीर दे विच असीं रहंदे आ प्यारे हो और एक ना एक दिन शरीर नु असी छड़ना है। और कई लोग हॉस्पिटल दे विच भर्ती हुंदे प्यारे हो मौत दी कल्पना कर दे पर मृत्यु नेड़े नहीं आती हुंदे। क्यों? क्योंकि ये शरीर दे विच जो आत्मा दा स्वंद है ओ मृत्यु ये शरीर दे विच प्राण वायु जो बाहर निकलनी है कोई इंसान नहीं कट सकदा। कौन कटदा बोल देनी है देसी भाषा च असी बंदी छोड़ कह दंदे कोई रब कह दंदा कोई राम कह दंदा क्योंकि जो शरीर दे बंधन तो भी मुक्त करे ओ है मेरा बंदी छोड़। बोलो बंदी महाराज की जय। और उसी बंदी छोड़ साहिब ने दरबार च तुसी बैठे हैं
ਉਹੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿਵਯ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਧੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇ ਹੈ ਝਾਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੂਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਦਾਸ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਤਿਰਕੁਟੀ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਨਿਰਖਤ ਮਨ ਹੋਏ ਪਰਸਨ ਜਦ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੋ ਅੱਖ ਹੈ ਤਿਰਕੁਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਆ ਗਈ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲੋ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਪੂਰੀ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲੋ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੋ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲੋ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਾਧੇ ਭੁੱਖ ਚੁੱਕਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੇ ਸ਼ਕੀ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਟੁੰਨ ਟੁੰਨ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੋ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖਾਧੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਵਾਮੀ ਚੇਤਨਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨੂਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਗੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨੂਰੀ ਹੈ ਨੂਰੀ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲੋ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੋ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲੋ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਵਾਜਾ ਮਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੋ ਔਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਓ ਮਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਤਿਰਕੁਟੀ ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰੋ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ ਮਾਰੋ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦੇਖਾ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾ ਤੇਰਿਆਂ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਚਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ ਦੇਖਾ
पूरी वाले एक बारी दर्श देखा तेरे आंदे तारे अनु मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा एक बारी दर्श देखा समाधि वाले एक बारी दर्श देखा तेरे आंदे तारे अनु मन मेरा तेरे आंदे तारे अनु मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा वाज तेरी बाणी विचों ऐदां दी आंदी प्यारियो कई बार मैं नू पहला अकल नहीं थी इन्नी जद मैं बाणी पढ़दा ना कई बार खो जांदा फिर चेतराम जगांदा बारी वेले मेरी मिठी मिठी वाज तेरी बाणी विचों आमदी वाणी विचों आमदी सुत्तेआं नू दिंदी ऐ जे मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा एक बारी फेरा पा सतगुर प्यारिया एक बारी फेरा पा दारू मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा एक बारी फेरा पा सतगुर प्यारिया एक बारी फेरा पा तेरे आंदे तारिया नू मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा एक बारी फेरा पा सतगुर प्यारिया एक बारी फेरा पा तारिया नू मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा एक बारी फेरा पा सतगुर प्यारिया एक बारी फेरा पा एक बारी फेरा पा गुर प्यारिया एक बारी फेरा पा पूरी वालिया एक बारी अपना बना पूरी वालिया एक बारी अपना बना सतगुर प्यारिया एक बारी फेरा पा सतगुर प्यारिया मुझसे तुझको बहुत है तुझसा ना मुझको मुझसे तुझको बहुत है तुझसा ना मुझको पूरी वालिया दास नू अपना बना सतगुर प्यारिया दास नू अपना बना पूरी वालिया दास नू अपना बना पूरी वालिया दास नू अपना बना
मन मेरा लोचदा एक बारी फेरा पा पूरे वाले आ एक बारी फेरा पा तेरे दीदारिया मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा एक बारी फेरा पा सतगुर प्यारिया एक बारी फेरा पा चलक गरीबानू देखा सतगुर प्यारिया चलक गरीबानू दिखा दुखिया गरीबदा तुयो सहारा तुयो सहारा एक बारी झलक देखा पूरे वालिया एक बारी झलक देखा मोरा पर वालिया एक बारी फेरा पा तेरे दीदारिया मन मेरा लोचदा मन मेरा लोचदा एक बारी दर्ज देखा सवादी बालिया एक बारी दर्ज देखा डंडिया बालिया एक बारी दर्ज देखा सतगुर प्यारिया एक बारी दर्श देखा सतगुर प्यारिया एक बारी दर्श देखा पूरे वालिया एक बारी दर्श देखा पूरे वालिया एक बारी दर्श देखा ओ मेरे प्यारिया एक बारी दर्श दिखा मेरे प्यारिया एक बारी दर्श दिखा बोलो गुरुदेव भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय बोलो वंदीशो महाराज की जय क्योंकि नाम जपनो जीबा दिती हर दर्शन नो अखी एक एक स्वास अनमोल जावे हथ नहीं आना लखी हीरे सिट्यो मोती सिट विच रला दे कखी 24,000 दा काटा रोज दा आमद मूल न नथी प्यारे जड़ी रसनाएं कि उस मालिक ने नाम जपण ली दिती है श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी वाणी च भी गुरुआ ने फरमाया है साड्या ने नाम निरंजन नीर नारायण रसना सिमरत पाप बलायन उदय नाम नीर है और ओही निरंजन है ओही नारायण है हे मेरी रसना रसना मैंने जुबान जो सानू दिती है टंग लग लग नाम है ही दे कोई रसना बोलना है कोई जुबान बोलना हुन देसी च भैणा लुतरो भी कह दंदी है बोलो बंदी छोड़ आज जड़ी लुतरो दिती भी सानू ए प्रभु दा नाम जपण लई मिली है हुण जे इनू होद नू लुतरो नू चलाईए तां कोई फायदा नहीं है इसलिए नाम दी एनी महिमा है जिन जिन नाम ते आया तिन के कार्ज सरे उन्हां दे काम साहिब आप करदे है जेड़ा उस मालिक दा नाम लेंदा है प्यारियो हुण तुसी जिन्नियां भी मेरियां मातावां बैठियां भैणां बैठियां कोशिश करिया करो एनी की चुक चुक मथे टेकणे कहना एक भी नहीं मनना उन्हें भलेखा छड़ दिया करो कि मथा टेकन नाल ही खनी सतगुरु जी खुश हो जाएंगे ओ प्यारियो मेरे वर्गे मूर्ख नु तुसी धोखा दे सकते अपने आप नु धोखा दे सकते आंडी गुआंडी नु ओला कर सकते पर अपने मन ते पुछियो घट घट की जानत
भले बुरे की पीड़ पछाने, जेड़ा वो मेरा मालिक है उन्हें तुम्हारे अंदर का पता है, उन्हें कण कण का पता है, और उते तुसी किसे भी तरह का ओला नहीं रख सकते प्यारियो। इसलिए जिन्हें भी तुसी बैठे हैं थोड़ी देर कोशिश करया करो अपने आप को जानने दी। देबो हेमू दी पत्नी भूषण दी मां, कुलभूषण दी मां, उते अलावा कौन है प्यारिये तू? टिब्बा टपरिया मापे है उते अलावा क्या है? ये चीजा तुसी कोशिश करया करो, क्योंकि तुसी सारे इस तरह पर आए वे, इस धरती पर आए वे अद्भुत खानी भुगते प्राणी, समझे नहीं शब्द सहदानी। इसलिए साहिब दा शब्द समझ लो, क्योंकि चार तरह दियां गल्लां तां कुत्ते बिल्ले बकरियां ऊंट भी करया करदे प्यारे। घर तां जानवरां नूं भी बनाए वे, रोटी तां जानवर भी खाया करदे, सोंदे जानवर भी है, बच्चे पशुओं दे भी है, और पशु भी साडे नालों ज्यादा वधिया तरीके नाल उन्हां दा पालन पोषण करदे आ प्यारे। अगर असी भी चार ही चीजा कीतिया, नंबर एक रोटी पका ली खा ली सो गए, घर कोठी बनाती और अपने बच्चे पैदा कर ले और पाल देते, बस फिर साडे नाले होर प्राणियों च कोई अंतर नहीं रहेगा। असी वंदे हैं और वंदा वंदगी ले बनिया है, वंदा बंदगी करे तब वंदा, नहीं तो फिर गंदे तो भी गंदा, फिर वो इंसान पशु जूनी दे बराबर ही है, एक तरह पशु ही है, क्योंकि चारों खानी भुगते प्राणी। फिर वो चारे गल्लां च जे पशु भी रहंदे हैं, असी भी रहे, फिर साडे नाले पशुओं च कोई अंतर नहीं रहेगा। बोलो, इसलिए कोशिश करनी है, सतगुरु दी वाणी नु मनना है, और थोड़ा थोड़ा अपने आप नु जानने दी कोशिश करनी है, फिर मेरे सतगुरु कृपा करेंगे। क्योंकि कहा ना, तारेंगे तहतीक सतगुरु तारेंगे, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। पर तारेंगे किदा? मन कर धीर बांध ले बोरे, कहते साहिब, कहते अपने मन नू थोड़ा जिहा बन ले। हुण साडा मन ने तो मैनू कहना नहीं चाहिदा, ये मन ने तो खराब करदा सारा काम। अज कोई आया अपनी होई सुणांदा है, नंगल बल ते आए भाई, बड़ा सोहना चोड़ा ले आए, मैं बाहर बैठा था, मैं उदा ओपरे जे मन नाल, मैं कहा नहीं नहीं रहन दो भाई, उनका मूड हुण बदल लिया, खबर उन्हें मोड़ के रख लिया। मैं थोड़ी देर देखा भी दोबारा तो हूँ पूछा ही नहीं करते हैं, भी मैं तो भाई फिर पता नहीं मन समत्या पे ही फिर आए, नहीं महाराज इस तरह देना है। फिर मैं कहा हूं ना कितने बदल जाना, ले ले ये मन ऐदां दा है प्यारियो। कई मन साडा खराब हो जाता, पर मन साहिब ने कहा मन कर धीर बांध ले बोरे, छाड़ दे पिछलों की रीत, जो कल कीता मार गोली परसों कीता छड़ दे, पर अपने मन नूं वल है, फिर मेरे सतगुर क्या करेंगे? तारेंगे तारेंगे, हाँ ये तो आंदा थोनों, बोलो फिर हूं तारेंगे। तारेंगे तारेंगे तार ता देना ही है, पर तारना कितना ये गल समझन दी है। मन कर धीर थोड़ा जिया मन नु बन लो, छड़ दे पिछलों की रीत, सतगुर तारूंगे ता पिछलिया गल्ला नु छड़ दो। जे थवाडे नाल किसे ने माड़ा कीता है छड़ दो, थवानू किसे ने माड़े शब्द बोले हैं छड़ दो प्यारियो। कोई थोनू पसंद नहीं है, थोनू पसंद नहीं करदा, उनू छड़ दो, पिछलियां गल्लां नू छड़ दो, फिर मेरे साहिब तारेंगे जरूर, पर तारेंगे किदा?
बोलते नहीं तहतीक तहतीक मैंने सिस्टमैटिक लाइंस लगना पैंदा दा नंबर लगदा प्यारियो हुण ए थोड़े ना कई बार असीं बैठे पिछे हुंदे दवा दब तक्के तुक्के मार के मोरे खड़ जांदे आके बाबा हुण मेरा नंबर ला दे तू ओ प्यारियो साहिब सब कुछ जानदा मेरे वर्गा मूर्ख तां कुछ नहीं है असीं तां इत्थे चढ़ियां में तुहाडियां रोटियां खा लैंदे तुहाडे चढ़ाए वे पैसे पूसे खा जी दे सी जो सतगुरु दे दरबार च चढ़दा असीं इत्थे एक सेवादार भी नहीं कह लो सेवा तो तुसी ही कर जंदे साडे झांगड़ियां वाली संगत नाले करतार पर रूड़े माजरा दी संगत पलाटे वाले कहना साडा कहा ही ना यही कर जंदे और मेरे वर्गा मूर्ख तां बस इन्नी औकात नहीं है मेरी मैनू कोई पटड़े पर ना बिठाले ये तो सतगुरु की कृपा है कि मेरे वर्गे मूर्ख नू तुसी सुन लैंदे कदी कदी बोलो बंदी छोड़ ऐदी थानू बेनती है सारिया भेड़ा कोशिश करया करो अगर किसी ने थानू माड़ा बोलिया है उन्हों माफ कर दो कोई प्राणे विकार है मन च उन्हों माफ कर दो अगर फिर भी मन नहीं टिकदा ना तो उही जिथे ते मैं शुरू कीता ओ गल कह के मैं खत्म करांगा कृपा करो पूरी वाले मेरा मन मन दानी कहना कृपा करो पूरी वाले मेरा मन मन दानी कहना कृपा करो पूरी वाले मेरा मन मन दानी कहना कृपा करो पूरी वाले मेरा मन मन दानी कहना तक कह दो महाराज नु बे महाराज इनू ससुरे नु बहुत समझांदा इनू बड़ा समझांदा पर मनदा नहीं है हुन हे मेरे महाराज है मैनू बोलनी तांदी नहीं थारे कोल के मुक्या ओ मेरे बंदी छोड़ तू कृपा कर दे महाराज एनी गल कह दो बोलो हुन बोलो उची बोलो थोड़ा जी हाँ है छुट्टी हो जानी थानू तुसी भी कह दो मन क्या करदा मन कृपा करो पूरी वाले मन करदा अड़ियां कृपा करो पूरी वाले मन करदा अड़ियां चुकां दी पुल्ली पटकी दर तेरे खड़ियां चुकां दी पुल्ली पटके दर तेरे खड़ियां चुकां दी पुल्ली पटकी दर तेरे खड़ियां चुकां दी पुल्ली पटके दर तेरे खड़ियां मन मेरा करदा करदा है अड़ियां मन मेरा करदा है अड़ियां कृपा करो सतगुर प्यारे मेरा मन मन दानी कहना कृपा करो सतगुर प्यारे मेरा मन मन दानी कहना कृपा करो राम परवाने साडा मन मन दानी कहना कृपा करो राम परवाने साडा मन मन दानी कहना कृपा करो समाधि वाले मेरा मन मन दानी कहना कृपा करो समाधि वाले मेरा मन मन दानी कहना मेरा मन मन दानी कहना मेरा मन मन दानी कहना बंदी
छोड़ बंदिश छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ सत साहेब 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 ये ओही गल है आठों पहर जपिए तेरो नाम हे मालिक कृपा कर और तुसी उदा गुस्सा ना मन्यो पूज्य महाराज बैठे तीन घंटे का लगभग एक पहर हुंदा है तीन घंटे का एक पहर हुंदा प्यारियो और थोड़ी अद्धे च ही है हुण कहना नहीं चाहिदा अद्धे च फीस निकल जांदी टैंट है पर फिर भी अगर तुसी बेनती करो सतगुरु जी नूं औखे सौखे क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा इसलिए कोशिश करया करो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए मालिक दा नाम लिया करो वंडी शोट सपर कृपा बना के रखन और एथी बाणी नु विराम है सारी संगत नु एक सूचना है कि थवाडे सहयोग दे नाल ये सारा कार्यक्रम ही थवाडा है सवेर नु ठीक 8:30 बजे सतगुरु महाराज दी हर साल दी तरह शोभा यात्रा निकलनी है ठीक 8:30 बजे और शोभा यात्रा झांगड़िया नगर टपरिया नगर और सुखे माजरा तो हुंदे हुए सतगुरां दी पावन पवित्र धरती रामपुर पोसवाल उत्थे मत्था टेक के फिर वापस आनी है शोभा यात्रा आप सब ने ठीक नौ बजे सब ने आ जाना है बोलो बंदी छोड़ और कल शाम नो ठीक इसी टाइम सतगुरु जी दी संध्या आरती होएगी और परसों नो 18 तारीख नो सतगुरु जी दी वाणी दे संपूर्ण भोग पाए जाएंगे और ट्रस्ट वालों संग